पंकज जी, वो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था ना कि साहब बेहतर ये है कि ड्रामा नहीं बल्कि डिबेट हो, जिसके लिए है हमारा लोकतंत्र का ये मंदिर। और फिलहाल लेकिन ये स्पीकर तभी समर्थन जब डेप्यूटी स्पीकर हमें मिल जाएगा, मतलब ये जो पूरा एटीट्यूड है सर, जो रवैया है वो ड्रामेटिक ज्यादा लगता है। और ये मैं क्यों कह रही हूँ सर, अब यहाँ पर मैं तीन राज्यों की जानकारी लेकर आई हूँ जिसमें एक हिमाचल प्रदेश है, दूसरा कर्नाटक है, तीसरा तेलंगाना है। और ये वो तीन राज्य हैं सर जो कांग्रेस शासित राज्य हैं। कर्नाटक में स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर दोनों कांग्रेस के, हिमाचल प्रदेश में स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर दोनों कांग्रेस के, तेलंगाना कांग्रेस का स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर कोई है ही नहीं। तो बताइए फिर इसको क्या माना जाए, ये स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर, सत्ता पक्ष विपक्ष, फिर तो ये ढोंग ही ज्यादा लगता है। पंकज जी, हाँ, तो अगर राज्यों में ये स्थिति है तो ये स्थिति भी बदलनी चाहिए। हाँ। और मैं ये मानता हूँ कि अगर कांग्रेस इसमें एक जिम्मेदार भूमिका का निर्वाह करे तो अच्छा होगा। हाँ। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी की मौजूदा हुकूमत के लिए भी एक बात सोचने की है कि 72 साल में 22 बार ऐसे मौके आए हैं जब स्पीकर का नाम तय करने की बात आई, और कल 23वां मौका है और 17 लोग स्पीकर बने। पिछले 48 साल में कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि स्पीकर के पद के लिए चुनाव हुआ हो। 48 साल पहले हुआ था, 2 बार सिर्फ चुनाव हुआ है स्पीकर के पद का। तो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार को ये सोचना चाहिए कि 48 साल बाद क्यों ऐसा मौका आ रहा है कि स्पीकर के पद के चुनाव के लिए सर्वसम्मति नहीं हो पाई। अगर सर्वसमावेशी राजनीति की शुरुआत सचमुच नरेंद्र भाई मोदी करना चाहते हैं और ड्रामा छोड़कर डिबेट कराना चाहते हैं संसद के मंच पर, तो उनको भी अपनी कार्यशैली में बहुत से बदलाव करने चाहिए। ये मूल मुद्दा है और विपक्ष इसीलिए प्रतिरोध कर रहा है। जवाब लेती हूँ, ठीक है। केके शर्मा, आपने एक लाइन रोमाना, अच्छा जोड़ दीजिए हर्षवर्धन जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पंकज जी इसका मतलब कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री, वो सर्वसमावेशी राजनीति नहीं करते थे। पंकज जी आप जवाब देना चाहेंगे 10 सेकंड में सर? अब सर्वसमावेशी राजनीति करते थे या नहीं नेहरू जी, ये तो देश का बच्चा बच्चा जानता है। नेहरू जी जैसा लोकतंत्रवादी, नेहरू जी जैसा उदारवादी, चुनाव के आधार पर कहा, कोई राजनेता इस देश, आपने स्पीकर के चुनाव के आधार पर कहा तो वही पैमाना रखिए ना। आप जिस पैमाने पर नरेंद्र मोदी को सर्वसमावेशी राजनीति नहीं करने वाला बता रहे थे, तो कब चुनाव हुआ था जरा वो बताइए ना, किसके प्रधानमंत्री रहते हुआ था? बिल्कुल 1952 में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री थे। नरेंद्र भाई मोदी ठीक है। नरेंद्र भाई मोदी सर्वसमावेशी राजनीति नहीं करते हैं, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह वो बांटने की राजनीति करते हैं, किस तरह वो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। आपने देखा इस बार लोकसभा में आप भी अच्छी तरह जानते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है वो अपना नजरिया दूसरों पर थोपते हैं, क्योंकि ये आपका नजरिया हो सकता है सर, लेकिन हर कोई इससे सहमत हो ये तो जरूरी नहीं है। जवाब नहीं, तर्क नहीं। ठीक है, अब मैं जरा सा केके शर्मा जी के पास आना चाहूंगी। केके शर्मा जी, लेकिन यहाँ पर पंकज जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब जो कार्यशैली है वो बदलने की जरूरत है सरकार को। वो कह रहे हैं कि जितनी कमियां हैं वो सब सत्ता पक्ष में हैं और उन खामियों को सत्ता पक्ष दूर करे, क्योंकि सत्ता पक्ष ही कहती है कि साहब हम सहमति बनाएंगे, हम सबको साथ लेकर चलेंगे, और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो ये सबसे बड़ी नाकामी सत्ता पक्ष की है क्या? नहीं नहीं, वो तो मोदी जी के विरोध में आकंठ डूबे हुए जो हैं, शर्मा जी अपनी बात कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास तर्क नहीं है, कुतर्क के लिए जरूर कह रहे हैं। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा अरे विपक्ष अहंकार में डूबा हुआ है, उसे जरा समझना पड़ेगा कि ये अहंकार छोड़ के वो जो है संसदीय कार्य में भाग लें। आप ये कह रहे हैं, इन 10 सालों में क्या देखा देश ने कि ट्रेजरी बेंच में विपक्ष चढ़ के कूद रहा है, स्पीकर के मुंह में पुस्तिका फेंक के मार रहा है, माइक तोड़ रहा है, यही विपक्ष की भूमिका है? आप उनको बता रहे हैं कि उनको रवैया बदलना चाहिए, इनको यह विपक्ष की क्या भूमिका थी? देश क्या देखा इस 10 सालों के अंदर में? जितनी बार माननीय प्रधानमंत्री, सवाल तो आपने खूब उठाया, बहस भी करवाया, रोमाना जी इतिहास में मैं गलत नहीं हूं तो 2023 में जब विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आता है, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने के बाद जो है जब माननीय प्रधानमंत्री जी जवाब दे रहे होते हैं,
तो अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला जो है सदन छोड़ के भाग जाता है, सदन छोड़ के भाग गए भगोड़े की तरह। जब जब प्रधानमंत्री ने बोला, जब जब प्रधानमंत्री ने संसद में जवाब दिया, विपक्ष कभी नहीं टिका, हमेशा सदन छोड़ के वॉकआउट किया। ठीक है, तो आपकी प्रवृत्ति है, आपकी वृत्ति है, आप सवालों के जवाब नहीं सुन पाते। लेकिन मैं एक बार पुनः फिर कह रहा हूं जी, कि जो बात इन्होंने अभी कही, अभी प्रधानमंत्री सुरेंद्र जी आपने स्वयं स्वीकार किया कि 12 से 13 कमेटियों में होते, वो 12 से 13 कमेटियों में थे, ठीक है, प्रतिपक्ष के नेता के नाते ये आपने स्वीकार लिया। और दूसरी बात, में जो 11:05 पर राहुल गांधी जी के बयान की बात किया, जो पहली झूठ आपने बोली, अभी तक आप उसकी सफाई नहीं दे पाए कि राहुल गांधी आपके पहले सार्वजनिक सवाल महत्वपूर्ण मोदी जी पर केवल यही नहीं हुआ, जो बहुत से पैनलिस्ट ये जो तानाशाही भारतीय साथ ग्रस्त है राहुल गांधी, इन्हें ये तानाशाही हटानी होगी। दर्शकों के साथ, वो राज्य जहाँ पर आप लोग पावर में है सर, वहाँ पर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों पद आप लोगों ने अपने पास ही, अपनी पार्टी के पास ही रखे हुए, तो फिर सर बस ये विरोध के नाम पर विरोध करना है, सहमति बनने नहीं देना, इसी वजह से ये स्पीकर पद अगर पक्ष का तो फिर डेप्यूटी स्पीकर विपक्ष को दो। हाँ सुरेंद्र भाई, बिल्कुल रोमाना जी, आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। जो परंपराएं राज्यों में चली हैं गलत हैं, और मैं आपको फिर से कहता हूँ कि आपने कांग्रेस के राज्य तो बता दिए, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में उन्होंने डिप्टी स्पीकर का पद दे रखा है क्या प्रतिपक्ष को? किसी भी एक राज्य में अगर दे रखा हो तो वहां पे आप निकाल के ला करके दे दें, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। अगर आपको किलो में तोलना है तो किलो में तोलिए, लीटर में मापना है तो लीटर में मापिए। दो मिनट रुकिए ना भाई, दो मिनट प्लीज 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 प्लीज। मैं दूसरी बात आपसे कहता हूं कि अगर हम लोग जो है, जिसे के शर्मा जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया कि भाई विपक्ष गधे की तरीके से भाग गया, तो क्या ये लोग खच्चर की तरीके से भागते हैं? और भाई गधे तो गुजरात के बड़े मशहूर हैं, कच्छ वाले छोड़ दीजिए। आपको गधा बता रहे हैं, मैंने नहीं बोला रमाना जी के, अच्छा कर नहीं, आपको गधे बता रहे हैं ठीक। और दूसरी बात मैं आपसे कहता हूँ, अभी अभी मैं अगर आपने नहीं बोला, लेकिन सीरियस डिबेट करते करते भी पता नहीं कहां से इतना कॉमेडी का पुट ले आते हैं कि आई एम श्योर मेरे दर्शक बहुत एंजॉय करता होगा। थैंक यू सो मच सर, समय आज इतना ही है इस चर्चा के लिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर स्पीकर का चुनाव जो कल देश देखेगा, और ये एक तरीके से पक्ष विपक्ष के बीच पहला शक्ति प्रदर्शन जो कल देश देखेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।